अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल टेकवी सामरी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट आवर लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैनल। व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू ऐप की ट्रिक लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग किस तरह चेंज कर सकते हैं और ये सेटिंग आप बिल्कुल अपने पीसी या लैपटॉप की तरह कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल का डिस्प्ले अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले की तरह किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले में माई पीसी और ईटीसी इस तरह की काफ़ी ऐप्स होती हैं, इसी तरह हमारे मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले की तरह हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। व्यूअर्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए व्यूअर्स, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को व्यूअर्स ओपन करने के बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर सर्चिंग बार में विंडो लॉन्चर का सर्च करना है। विंडो लॉन्चर को सर्च करने के बाद व्यूअर्स आपको सबसे पहले जो ऑप्शन कंप्यूटर लॉन्चर का आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद व्यूअर्स मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊंगा कि आप इसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं ताकि आपके मोबाइल का डिस्प्ले जो है वो आपके लैपटॉप के डिस्प्ले की तरह नज़र आएगा। तो व्यूअर्स, जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो मैं आपको इसकी मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताऊँगा। मेरे मोबाइल में ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। व्यूअर्स ओपन करने के बाद इसकी आपने सेम जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसकी सेटिंग इस तरह करने के बाद व्यूअर्स इसे परमिशन देने के बाद आप इसको सिंपली देखना। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमने अभी तक इसे कोई परमिशन नहीं दी लेकिन ये हमारा डिस्प्ले हो चुका है। व्यूअर्स, अभी जनरेटिंग की कर रहा है कि जनरेटिंग की करने के बाद व्यूअर्स आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हमारे मोबाइल का डिस्प्ले बिल्कुल हो चुका है हमारे लैपटॉप की तरह। तो व्यूअर्स, यहाँ से कुछ सेटिंग्स में इसकी परमिशन है, आपने वो परमिशन को ऑन कर लेना है। देख सकते हैं कि दिस पीसी और साइकिल बिन सब कुछ आपके सामने सेम व्हाट्सएप की लैपटॉप की तरह ओपन हुआ है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे विंडो का, इस पर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपकी सारी ऐप जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो व्यूअर्स, इस तरह अपनी कोई भी ऐप आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, जैसे विंडो में ये ऑप्शन हमारे पास साइड पे होता है उसी तरह इसमें ऑप्शन नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करना तो नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिला हुआ है, आपने व्यूअर्स वहाँ पर क्लिक करना है। गूगल का भी साथ ऑप्शन मिला हुआ है। व्यूअर्स, उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप इसको साइड से करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने ये सारा वाईफाई एयरप्लेन और ये रोटेट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जिस पीसी के अंदर जाकर क्या कुछ कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही आप जिस पीसी को ऑन करेंगे तो व्यूअर्स आप इसको अलाउ करने के बाद इसको अपने आपने अपनी डिवाइस का नाम देना है। डिवाइस का नाम देने के बाद व्यूअर्स आपने अपने इस पीसी को ऑन कर लेना है। व्यूअर्स, इस पीसी में देख सकते हैं आप बिल्कुल लैपटॉप की तरह आपको ये शो कर रहा है। यहाँ पे लोकल डिस्क का ऑप्शन, पिक्चर्स का, वीडियोस का, डाउनलोड का और डॉक्यूमेंट का। व्यूअर्स, आप यहाँ से कोई भी ऑन कर सकते हैं और अपने देख सकते हैं कि आपने पिक्चर्स में क्या, आपने डाउनलोड क्या हुआ किया हुआ है। और इसी तरह आप जिस तरह लैपटॉप में दिस पीसी को ऑन करते हैं इसी तरह आप अपने मोबाइल में भी दिस पीसी को ऑपरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, व्यूअर्स उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप रिसाइकल बिन में भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो कुछ डिलीट किया वो चीज़ क्या क्या है, लेकिन फिलहाल मैंने कुछ नहीं डिलीट किया इसलिए मेरी रिसाइकल बिन एम्प्टी है। और इसी तरह व्यूअर्स, आप अपने मोबाइल को भी अपने बिल्कुल लैपटॉप की तरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।